दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ ऑटोमेटिक वर्लपूल वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वेलकम टू ओम योर हेल्पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरा पहला टिप ये रहेगा, पहले हम मशीन को कर लेते हैं ऑन। मैंने यहाँ मशीन को कर दिया है ऑन। यहां से हम कर देते हैं इसका पावर ऑन। फिर यहाँ पे है हमारा प्रोग्राम P1, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जो मैं ट्रिक आप लोगों को बताने वाली हूँ, उससे आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमारा प्रोग्राम यहाँ सेट हो जाता है P1, हमें भी P1 में ही धोना है, तो उसके बाद हमें आता है वाटर लेवल सेट करने का ऑप्शन। वाटर लेवल में आप देख सकते हैं यहाँ काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि ऑटो, लो, मीडियम, हाई, मैक्स, और बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑटो पे रहता है। अगर आप इसमें से कोई भी पानी का लेवल नहीं चुनते हैं तो ये ऑटो में रहता है। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कौन सी गलती बहुत दिनों से कर रही थी, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती बिल्कुल भी ना करें। तो गलती ये है कि जैसे कि मान लीजिए कभी मुझे लग रहा है कि कपड़े बहुत कम है, तो मैं उसे लो वाटर में धो लेती हूँ या मीडियम में धो लेती हूँ। कभी लगता है कि कपड़े बहुत ज्यादा है, तो मैं अपने से हाई या मैक्सिमम लेवल के पानी में सेट कर लेती हूँ। पर आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, अपने मर्जी से आप पानी का लेवल कभी भी सेट ना करें, क्योंकि आपका जो ये वॉशिंग मशीन है वर्लपूल का, इसमें है सिक्स सेंस अल्ट्रा क्लीन। ये सिक्स सेंस जो है, ये सिक्स सेंस क्या करती है, मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो क्या करती है। यहाँ मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो सिर्फ यहीं तक के लेयर में भरे हुए हैं, स्टार्टिंग में ही है, ज्यादा नहीं है। और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आप लोगों को यही करना है कि आप लोगों को अपना वाटर लेवल खुद से सेट नहीं करना है। आप यहाँ वाटर लेवल जो ऑटो है उसी में ही रहने दे। मैं बता रही हूँ ऐसा आप लोगों को क्यों करना है। तो हमें बस ऑटो में कर देना है, हमें आज अल्ट्रा क्लीन नहीं करना है, वार्म हॉट में नहीं धोना है पानी को। तो ठीक है, अब हम जल्दी से अपने सिस्टम को कर देते हैं ऑन, प्रोग्राम को कर देते हैं सेट। तो चलिए अब हम इसको कर देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट, तो मैं यहाँ से कर दूंगी प्रोग्राम को स्टार्ट। अब देखिए ये क्या करता है कि यहाँ खुद से वो अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि इसको कितना पानी चाहिए, इसको कितना टाइम लगेगा धोने के लिए, इसको कितना सर्फ चाहिए। ये सिक्स सेंस जो है वो खुद से इस चीज का पता लगा लेती है। आप जैसे कि देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे ये घूमता है, सबसे पहले यह घूम रहा है और यहाँ पे इस तरह से ये इफेक्ट हो रहा है। ये घूमता है तो हमारे कपड़ों का ये नाप लेता है। आपको आवाज सुनाई दिया होगा कि ये पूरी तरीके से घूम लिया, इसने कपड़े का नाप ले लिया है कि ये कपड़ा कितना वेट का है। और यहाँ पे हमें कपड़े के वेट के हिसाब से बता दिया गया है कि आपको यहाँ कितना सर्फ लेना है, मतलब डिटर्जेंट कितना लेना है। तो एक कप यहाँ पे डिटर्जेंट लिखा और इसने पानी ऑटो में ले लिया। अब ये जानता है कि इसको कितना पानी लेना है। और अब यहाँ पे देखिए पानी निकलना शुरू हो चुका है। तो आपने देखा यहाँ हमने लो, मीडियम, हाई, मैक्स पानी खुद से नहीं चुना, ऑटो में रहने दिया, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो कपड़े का वजन खुद ब खुद ले लेता है कि उसे कितनी पानी चाहिए। जैसा कि इसमें कैलकुलेट करके बताया गया था कि हमें एक कप सर्फ डालना है, तो अब हम एक कप सर्फ को डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वन स्पून मैंने यहाँ, अब हम इसे कर देंगे बंद। अब हम इसका लगा देंगे लीड। दोस्तों, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने ऑटो जो लेवल है वो ब्लिंक करना बंद कर दिया है, मतलब कि ये पानी भर लिया है। मैं आपको दिखा दूं किसने कितना अमाउंट का पानी भरा है। इससे मैंने उठा दिया, देखिए यहाँ पानी का लेवल देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये पानी का लेवल कम है, मुझे भी ऐसा पहले लगता था, पर ये बिल्कुल राइट अमाउंट का पानी है, क्योंकि यहाँ जो डिटर्जेंट और पानी का जो मिक्सचर है, रेशियो है, वो बिल्कुल सही बना है, जिससे कि आपके कपड़े बहुत अच्छे से साफ होंगे। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब इसे कपड़े धोने के लिए डालती थी, तो मुझे लगता था कि पानी कम है, तो मैं इसे अपने से हाई या मीडियम या मैक्स लेवल पे सेट कर देती थी। तो जिससे कि क्या होता था कि सर्फ कम पड़ जाता था। ये मुझे वन कप बोलता था सर्फ डालने के लिए, तो मैं सर्फ यूज करती हूँ तो मैं उसे डाल देती थी वन कप। पर लगता था कि नहीं, पानी में वो सही अमाउंट या कंसेंट्रेशन नहीं बना है, तो लगता था कपड़े अच्छे से साफ नहीं हुए हैं। फिर कभी कभार ये हो जाता था कि मैं अपनी मर्जी से लो या मीडियम पानी ले लेती थी, तो उसमें क्या हो जाता था कि जो डिटर्जेंट है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती थी, जैसे कि रिंस होने के बाद भी कपड़ों में एक साबुन का व्हाइट व्हाइट सा परत रह जाता था, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने ये ट्रिक अपनाया कि नहीं, इसमें जितना वाटर लेवल ऑटो में लेता है वो बिल्कुल सटीक लेता है। और मैं आप लोगों को जो टिप सेकंड नंबर देने वाली हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, उस टिप को तो आप जरूर देखिएगा।
दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वॉशिंग का काम चल रहा है और इसी वॉशिंग के वक्त आपको थोड़ा सा एक्टिव होकर देखना पड़ेगा कि कब ये वॉशिंग कंप्लीट हो जाता है और ये अपना जो ये डिटर्जेंट वाला पानी है इसको पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है, क्योंकि जो मेरा टिप नंबर 2 है वो रिंस से रिलेटेड है। लोगों को शिकायत रहती है कि उनके कपड़ों में साबुन का लेयर रहता है, एक वाइट वाइट सी परत रहती है, या कपड़े अच्छे से रिंस नहीं हुए हैं, तो उसी का ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वॉशिंग का प्रोसेस खत्म हो गया है और अब ये जो है वो पानी को निकाल रहा है। आपको मे बी आवाज सुनाई दे रहा होगा कि जो हमारा पानी है, साबुन वाला पानी, इसमें से निकल जा रहा है। और आपको इसी वक्त एकदम एक्टिव होकर ध्यान देना है कि जैसे इसका सारा पानी निकल जाता है, आपको क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट और पॉज बटन है, इसको दबा देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो गया ये स्टॉप। जल्दी से हम ये स्टॉप और पॉज बटन को प्रेस कर देंगे। अब ये जो मेरा ट्रिक है वो ये है कि आप लोग सब जानते होंगे कि रिंस करने के लिए हमेशा हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो अब हम यहाँ से कर देंगे वाटर का लेवल चेंज। तो वाटर का लेवल चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ये वाटर लेवल बटन जो है उसको प्रेस करेंगे और हम कर देंगे मैक्स में कर देंगे, जिससे कि ये पूरा पानी लेगा और बहुत अच्छे से हमारा कपड़ा रिंस होगा। अब मैं इस चीज को स्टार्ट कर देती हूँ अगेन। अब ये जो है मैक्स लेवल पर पानी लेना शुरू कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा लेकिन ये पानी जरूर ले लेगा। देखिए, इसने आई थिंक 10 सेकंड मुश्किल से लिया और अब यहाँ का जो मैक्स बटन है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये मैक्स लेवल का पानी अब लेने के लिए तैयार हो गया है। आप देख सकते होंगे, मे बी आपको दिखाई दे रहा हो या आवाज सुनाई दे ही रहा होगा कि यहाँ पे मैक्स लेवल का पानी अब लेना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके कपड़े बहुत क्लीन हो जाएंगे, बहुत क्लीन। लोगों को जो भी रिंस से शिकायत रहती है कि हमारे कपड़े अच्छे से रिंस नहीं होते हैं, उनके लिए ये लाइक बहुत अच्छा ट्रिक है। आपको इसको जरूर अपनाना चाहिए कि यहाँ पे आपको पॉज कर देना है वॉशिंग के बाद और रिंस करने के टाइम आपको वाटर का लेवल चेंज कर देना है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने मैक्स दिया था पानी का लेवल, और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसने मैक्स लेवल का पानी ले लिया है रिंस करने के लिए। मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ इसका लीड। आप देख सकते हैं पानी पूरा ऊपर तक है। इस तरह से रिंस करने में ये जितने भी साबुन के पानी है, डिटर्जेंट के पानी है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाएंगे। एंड रिंस एंड ड्राई होने के बाद आपको बिल्कुल चमकदार कपड़े मिलने वाले हैं। प्लीज आप लोग सब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने ये ट्रिक को यूज किया और आप लोगों को इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आप इस शेयर बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप और फेसबुक में बड़ी आसानी से आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम योर हेल्पर।